नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, रसोई गैस सब्सिडी योजना में नाम जुड़वाने के लिए 5 से 30 नवंबर तक अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभ देने के लिए एलपीजी आईडी की सीडिंग उचित मूल्य दुकान से करवाई जाएगी। इसके लिए 5 से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान में सीडिंग करवाने के बाद ही 450 रुपए में सिलेंडर मिल पाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी बिल लाएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में लालच देकर और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। अगले विधानसभा सत्र में इसके खिलाफ बिल लाया जाएगा। विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल में कई कड़े प्रावधान कर सकती है, जैसे धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा। धर्म परिवर्तन में शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं लिव इन बिना शादी के साथ में रहने वालों के लिए सरकारी कानूनी प्रावधान कर सकती है। तीन जिलों में टिड्डियों के हमले का खतरा। इटली से आई टीम ने सर्वे के बाद किया अलर्ट। टिड्डी नियंत्रण विभाग जोधपुर के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया, इटली में बने एफएओ रोम से डेजर्ट लोकस्ट फोरकास्टिंग अधिकारी सिरिल जोधपुर आए थे। उन्होंने 9 दिन 10 से 18 अक्टूबर के सर्वे में टिड्डी से जुड़ी जानकारियां जुटाई और उन्हें आकर्षित करने वाले पौधों के बारे में रिसर्च की। इस रिसर्च में सामने आया कि अगले 6 महीने तक राजस्थान में टिड्डी के आने की कोई संभावना नहीं है। विभाग ने भी पहले इसी तरह के सर्वे में अनुमान लगाया था कि हवाओं के उलटे बहाव के कारण टिड्डियां यहां नहीं आ पाएंगी। श्रीगंगानगर में नहर में पानी चोरी पकड़ी गई। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एमएम के नहर पर नहरी पानी की चोरी पकड़ी है। इस नहर पर पाइप लगाकर पानी चुराया जा रहा था। नहर विभाग के अधिकारियों को जांच के दौरान इसका पता लगा। नहर में पानी चोरी की जानकारी मिली तो अधिकारियों ने मौके से पानी चोरी के लिए लगे पाइप हटवाए। इस संबंध में इस इलाके के गाँव मोरजंडखारी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। स्कूली छात्राओं को मिलने वाली साइकिलों का कलर बदला। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का कलर फिर बदल गया है। भाजपा सरकार के शासन काल में बालिकाओं को इस बार ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज कलर की साइकिल मिलेगी। इन साइकिलों की खरीद निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने लुधियाना की एक मशहूर साइकिल फर्म से की है। प्रदेश में शिक्षा सत्र 2024 से 25 के लिए 3,25,200 साइकिलें खरीदी गई हैं। जल्द ही इन साइकिलों का वितरण छात्राओं को किया जाएगा। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 5 जिले बढ़ाने की तैयारी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 28 जिलों में आयोजित की गई थी। बोर्ड चाहता है कि 33 जिलों में केंद्र बनाए दिए जाएं। इसके लिए 28 जिलों के अलावा नए जिलों में जालौर, जैसलमेर, डीग, झुंझुनू और चूरू में सीमित संख्या में केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की है। इनमें बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्र दिव्यांग अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थियों को आवंटित किए जा सकते हैं। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर को होगी। प्रतिदिन 2 पारी यानी कुल 6 पारियों में यह परीक्षा होगी। इसके लिए 17,64,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हाईवे पर टमाटर के कैरेट से भरा ट्रक पलटा। अजमेर जिले के नसीराबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर टमाटर से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक भी घायल हो गया, जिससे ट्रक में भरे टमाटर दूर दूर तक बिखर गए। सड़क पर टमाटर बिखरे देखकर आसपास के लोग और राहगीर टमाटर लूटने में जुट गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने टमाटर लूटने वाले व्यक्तियों को हटाया। राजस्थान के उपचुनावों में बगावत से ज्यादा भितरघात का खतरा। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बगावत से ज्यादा और भितरघात का फैक्टर ज्यादा हावी है। सत्ताधारी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया, जनाधार वाले बागियों को मैदान में नहीं रहने दिया। वहीं
कांग्रेस और बीएपी में एक एक सीट पर बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा मैदान में डटे हैं। 84 सीट पर बीएपी के बागी बादमी लाल समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इन दो सीटों के अलावा इस बार बागी नहीं है, लेकिन छिपी हुई नाराजगी और लोकल समीकरणों से छिपे हुए नुकसान का डर सबको है। यूडीए ने फतेहपुरा चौराहे पर तोड़ी 20 से ज्यादा दुकानें। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे को रविवार देर शाम यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बोटल नेक खोलने की कार्रवाई की। देर रात करीब 9 बजे तक दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रही। शाम करीब 6 बजे यूडीए की टीम पुलिस दल के साथ कार्रवाई करने पहुंची। इससे पहले दुकानदारों से दुकान खाली करवाई गई। हालांकि यूडीए इससे पहले दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस दे चुका था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं की। यूडी टीम जब पहुंची, तो दुकानदारों का विरोध शुरू हो गया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखबीर सिंह चौधरी सहित कई नेताओं ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और ज्योति मिर्धा ने सुखबीर सिंह को दुपट्टा पहनाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। बीजेपी के लिए यह कदम काफी अहम हो सकता है। गंगानगर, चूरू, जोधपुर में मिनिमम तापमान 20 डिग्री से नीचे आया। राजस्थान में दीपावली के बाद से रात में ठंडक बढ़नी शुरू हो गई। उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में तापमान रात में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने लगा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में 7 से 8 नवंबर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत होने में अभी 8 से 10 दिन या उससे ज्यादा समय और लग सकता है। राजस्थान के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, भजनलाल सरकार गाय भैंस के साथ अब ऊंटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा करेगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। राजस्थान में करीब 21 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमा करवाने के बाद किसी भी स्थिति में पशु की मौत होने पर पशुपालक को बड़े पशु के 40,000 रुपए मिलेंगे। पशुओं का बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत विभाग ने बड़े और छोटे पशुओं की 2 यूनिट बनाई है। बड़े पशुओं में ऊंट के साथ गाय भैंस को शामिल किया गया है, वहीं छोटे पशुओं में भेड़ व बकरी को शामिल किया गया है। बड़े पशुओं की मौत पर पशुपालक को 40,000 रुपए मिलेंगे, जबकि छोटे पशुओं की एक यूनिट में 10-10 भेड़ व बकरी को शामिल किया गया है, यानी एक यूनिट पर पशुपालकों को 40,000 रुपए का बीमा मिलेगा। जयपुर में पटाखे से कार के कवर में लगी आग। जयपुर में पटाखों की चिंगारी के कारण 6 महीने पहले खरीदी कार जल गई। कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने पर आसपास के लोग घर से बाहर निकले को आग का पता चला। कार मालिक को आग के बारे में बताया। इसके बाद कार पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। घटना शिप्रापट थाना इलाके की SFS कॉलोनी की है। पत्थर मार मार कर रणथंभौर के टाइगर को मार डाला। रणथंभौर नेशनल पार्क के टाइगर T-68 की मौत हो गई है। टाइगर का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। टाइगर के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में टाइगर के मुंह पर धारदार हथियार से कटने के चोट के निशान भी हैं। आशंका जताई जा रही है कि पत्थरों से बाघ को मारा गया है, लेकिन वन विभाग इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बाघ का शव रणथंभौर नेशनल पार्क से बिल्कुल सटे हुए उलियाना गाँव के एक खेत में मिला है। यह वही उलियाना गाँव है जहाँ कल एक टाइगर ने एक ग्रामीण को मार डाला था। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिस बाघ का शव मिला है उसी ने एक दिन पहले हमला किया था। रेल सफर में बिगड़ रही तबीयत, रेलवे उपलब्ध करा रहा दवाई व एम्बुलेंस। त्योहारी सीजन के चलते ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण यात्रियों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जनरल और स्लीपर कोच में लंबी दूरी की ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के कारण भीड़ भाड़, गर्मी और बीमारियों के चलते सेहत बिगड़ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों ने सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद मांगी है। रेलवे जरूरतमंद लोगों को दवा और डॉक्टर उपलब्ध करवा रहा है।
राजस्थान 84 खानों के साथ पहले नंबर पर पहुंचा। पूरे देश में मेजर मिनरल के ऑक्शन में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 10 सालों में देश भर में मेजर मिनरल की 417 खाने नीलाम हुई। इनमें राजस्थान की सबसे ज्यादा 84 खाने हैं। देश में वर्ष 15 में MMDR एक्ट में संशोधन कर मेजर मिनरल की खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। शुरुआत में राजस्थान मेजर मिनरल के ऑक्शन में पिछड़ा हुआ था, लेकिन नई मिनरल की खोज के बाद तेजी से खाने ऑक्शन की गई और पिछले साल दूसरे नंबर पर पहुंच गया। खनिजों का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर लोगों को रोजगार और अधिक राजस्व हासिल करने की मंशा से सरकार ने मेजर मिनरल का ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन किया और वर्ष 24-25 में ही 30 खाने नीलाम कर दी। पुष्कर मेला में पहली बार 52 घाटों पर होगी महाआरती। सजे धजे ऊँटों का रेला, आगे आगे ऊँट पर नगाड़ा वादन, कुछ इस तरह से श्री पुष्कर पशु मेला का आगाज होने जा रहा है। कैमल मार्च में जिला प्रशासन की ओर से सेव द कैमल का संदेश दिया जाएगा, इसके साथ ही मेले का आगाज होगा। पुष्कर मेले में पहली बार 52 घाटों पर एक साथ महाआरती की जाएगी। इसके लिए शहर के कॉलेज के छात्र छात्राएं, NCC और NSS कैडेट्स से मदद ली जाएगी। प्रत्येक घाट के लिए अलग अलग टीमें गठित होंगी। कुल 52 टीमें महाआरती की व्यवस्थाएं संभालेंगी। ग्राइंडिंग मिनरल्स से निकलने वाली धूल से लोग परेशान। आसींद उपखंड क्षेत्र के बोरेला ग्राम पंचायत के बाजुंदा मार्ग पर रघुनाथपुरा की ढाणी और आमली खेड़ा के लोग ग्राइंडिंग मिनरल्स से निकलने वाली धूल से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी क्षेत्र में संचालित ग्राइंडिंग मिनरल की मिले पिछले 30 वर्षों से संचालित है। इस क्षेत्र में 20 से 25 मिल संचालित है। मिल्स में पत्थर पिसाई का काम किया जाता है। पत्थर पिसाई के निकलने वाला अपशिष्ट भी चारागाह भूमि में अस्त व्यस्त तरीके से डाल रखा है, जिससे ग्रामीणों के मवेशियों को विचरण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो मवेशी इन सफेद पाउडर के दलदल में फंसकर अपने प्राण तक त्याग चुके हैं। देवउठनी एकादशी पर फिर गूंजेगी शहनाई। कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी से फिर से शादी ब्याह की शहनाई की गूंज सुनाई देगी। इसी के साथ ही शादी ब्याह व मांगलिक कार्य का दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा। इस बार नवंबर में 9 दिन तक और दिसंबर में 10 दिन तक शादी ब्याह की धूम रहेगी। गौरतलब है कि देवउठनी एकादशी के बाद करीब 123 दिन के विराम के बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। शादी ब्याह को लेकर वर व वधु पक्ष तैयारी में झूठ गए हैं। 4 माह के बाद बड़ा सावा होने से इस दिन बड़ी संख्या में शादियां होंगी। इसके लिए मैरिज होम, पंडित, पार्लर, हलवाई, कैटर्स सभी पहले ही बुक हो चुके हैं। राजस्थान में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर रेगिस्तानी इलाके सब में ढोरों के बीच टेंट वाला गांव बसना शुरू हो चुका है। खास बात ये है कि इस बार लग्जरी टेंट हाउस में 5-स्टार होटल में मिलने वाली सुविधाएं पर्यटकों को मिनी दुबई का एहसास कराएंगी। इनमें स्विमिंग पूल से लेकर स्वीट रूम तक है। इनके लिए 1 महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर सम इलाके में करीब 10 किलोमीटर के एरिया में 400 से ज्यादा टेंट हाउस बनकर तैयार हो चुके हैं। होटल कारोबारियों की माने तो टेंट सिटी बसाने में इस बार 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। ये टेंट नवंबर से फरवरी के बीच 4 महीने सर्दी रहने तक लगाए जाते हैं। अब शिक्षकों के बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के लिए अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य उनके बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सेवारत अध्यापकों के बच्चों को प्रतिवर्ष अधिकतम 7,500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेजों में उच्च अध्ययन करने वाले नियमित विद्यार्थियों को दी जाएगी, जो 10 माह के लिए दी जाएंगी। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन बोर्ड पोर्टल पर 14 नवंबर तक किए जा सकते हैं। यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीख
तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपाठी रास्थोत्सवम मनाया जाएगा, इससे वोटिंग पर असर पड़ता। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।